दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ई रूपी। अभी इस वीडियो में हम ई रूपी बेसिकली क्या है, कैसे इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के अंडर अभी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया यानी 31 अक्टूबर 2022 को एक प्रेस रिलीज में आरबीआई ने ई रूपी को होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च कर दिया। अभी इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि होलसेल सेगमेंट क्या है, रिटेल सेगमेंट क्या है, कैसे आरबीआई ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के अंडर ई रूपी को लॉन्च किया है और ई रूपी कैसे एक डिजिटल इकोनॉमी को यानी डिजिटल इंडिया को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा। अब ई रूपी को ये कहा जा रहा है कि जैसे हमारा कैश का लेन देन होता है, जैसे हम एक दूसरे को कैश में लेन देन करते हैं, उसी तरह से ई रूपी काम करेगा। यानी सरकार का जो एक तरह से लक्ष्य है वो ये है कि धीरे धीरे करके हम कैश को एलिमिनेट कर देंगे और कैश की जगह पर हम ई रूपी को यूज करेंगे। और इससे होगा क्या, इससे इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा ये एक और इनिशिएट है। अब काफ़ी सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी IMPS है, UPI है, NEFT है, RTGS है, इससे भी तो हम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमने अभी जैसे अभी बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि UPI हर रोज एक नए नए माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है, लोग लगातार कैश को अवॉइड करके UPI का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इनिशिएट था। लेकिन ई रूपी को लॉन्च करने का अलग से क्या बेसिकली फायदा है, तो इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि ई रूपी कैसे काम करेगा। अब ई रूपी के कुछ फायदे मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बता देता हूँ कि ई रूपी के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट हो, क्योंकि जब आप UPI का यूज करते हो, NEFT, RTGS करते हो, इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन ई रूपी के लिए अगर आप ई रूपी को यूज करना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो। यानी अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए ही लॉन्च किया गया है, लेकिन ई रूपी से जब आप एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो ये इतना स्मूथ प्रोसेस है कि रियल टाइम में ही आपकी पेमेंट सेटल हो जाएगी। और जैसे हम एक नॉर्मल SMS किसी को भेजते हैं, उसी तरह से आप किसी को SMS के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करोगे। यानी ये इतना स्मूथ प्रोसेस है, अभी एक तरह से स्पेक्यूलेशंस ही लगाई जा सकती है कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर अभी किसी को कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि इनिशियली होलसेल सेगमेंट के लिए आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है, बट अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन ई रूपी से रिलेटेड एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले 31 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई थी आरबीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज, जिसमें आरबीआई ने मेंशन किया था कि 1 नवंबर 2022 से आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करेगा ई रूपी के होलसेल सेगमेंट पर। अब CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी इशू की है और आरबीआई ने भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है कुछ स्टेप्स लेकर। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली ये ई रूपी है क्या। देखो सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक डिजिटल कैश है जिसे आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो रियल टाइम में बिना किसी इंटरनेट की हेल्प से, एक तरह से जैसे हम किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं। आरबीआई मार्केट में जैसे फिजिकल करेंसी को इशू करता है, बस ऐसे ही आरबीआई डिजिटल फॉर्म में करेंसी इशू करेगा। ये ई रूपी हायर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज के टाई अप से लॉन्च होगा। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको जॉइंटली डेवलप किया है। वैसे तो डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी के लिए काफी टाइप के पेमेंट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे IMPS, ECS, RTGS, NEFT, लेकिन इन सभी पेमेंट सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए बैंक अकाउंट्स, इंटरनेट अवेलेबिलिटी और स्मार्टफोन्स का होना जरूरी है। लेकिन ई रूपी सिंपली एक कैश के लेन देन की तरह काम करेगा और रियल टाइम में ही पेमेंट सेटल कर देगा। एक सिंपल लैंग्वेज में जो वैल्यू एक रूपी की है वही वैल्यू एक ई रूपी की है। अब सवाल ये भी आता है कि ई रूपी बेसिकली काम कैसे करेगा। अब इनिशियली तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए और कुछ लिमिटेड प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो इसे यूज कर पाएंगे। इनिशियली इसका यूज कुछ गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज आपस में लेन देन के लिए करेंगी और पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद कॉमन पब्लिक इस ई रूपी का यूज कर पाएगी। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए जो मैक्सिमम वाउचर अमाउंट रखी गई है वो 1 लाख रुपए रखी गई है, यानी मैक्सिमम एक बार में जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो 1 लाख रुपए का लेन देन कर पाएंगी और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं इस ई रूपी से। इन सब के अलावा ये जो ई रूपी है अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इसकी जो वैलिडेशन है यानी कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगा उसे 1 साल रखा गया है कि ये 1 साल तक वैलिड रहेंगे। अब ई रूपी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला है ई रूपी W और दूसरा है ई रूपी R।
अब यहां पर W का मतलब है होलसेल और R का मतलब है रिटेल। रिटेल सीबीडीसी यानी ये सबके यूज के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, और होलसेल सीबीडीसी यानी ये रिस्ट्रिक्ट रहेगा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। पायलट प्रोजेक्ट में फिलहाल होलसेल मार्केट, जहां पर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड हैं, सिर्फ इन्हें ही इंक्लूड किया गया है। यानी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभी जो पायलट प्रोजेक्ट है वो सिर्फ होलसेल सेगमेंट के लिए है। अब होलसेल सेगमेंट के अंदर आपके बैंक्स, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इस ई रूपी को यूज करेंगी। उसके बाद जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कॉमन पब्लिक के लिए यानी रिटेल सेगमेंट के लिए इस बेसिकली ई रूपी को, इस ई रूपी का जो यूज है वो रिटेल सेगमेंट भी कर पाएगा। अब एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस ई रूपी के बेसिकली देश को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नकली नोट की प्रॉब्लम है, जितने भी काउंटरफेट नोट हैं, इनका जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगा। चोरी या नोट्स का वियर एंड टीयर का इशू नहीं रहेगा। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फिजिकल नोट्स। आरबीआई की प्रिंटिंग कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, क्योंकि पूरा पेपर बेस्ड सिस्टम जो स्लो भी था, कॉस्टली भी था, और इसके साथ साथ अब जो ये नया सिस्टम है ये काफी ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। यानी जो ई रूपी है ये एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर में रहेगा, पेपर का यूज कम हो जाएगा और आरबीआई की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर पाएगी और बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस इकोनॉमी में ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मॉनिटर कर पाना अब गवर्नमेंट के लिए काफी ईजी हो जाएगा। पेमेंट सिस्टम अफेक्टिव होना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज भी प्रिवेंट इजीली की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ ऑथराइज नेटवर्क के थ्रू होगा, क्योंकि ये सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। इसके अलावा ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने डिपॉजिट एक बैंक में किया और आपको दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो नॉर्मली चार्जेस लगते हैं आईएमपीएस करने पर ई रूपी फिजिकल कैश जैसा ही एक्ट करेगा। जैसे आप फिजिकल कैश का लेन देन करते हो, तो इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। इससे इंटरबैंक मार्केट और एफिशिएंट हो जाएगी और इंडियन रूपी को और ज्यादा स्टेबल किया जा सकता है। अब इस ई रूपी के थ्रू फ्यूचर में न्यूट्रिशन और मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा मेडिकल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू। यानी एक तरह से इस ई रूपी के यूज से जो भी बीच का करप्शन था, यानी आप ये मान के चलिए कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे आप मान लो कि मिड डे मील हो गया, या फिर कोई भी मेडिकल असिस्टेंस स्कीम होगी, या किसी भी टाइप की जो स्कीम्स हैं जिसमें डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व होता था, कि ऊपर से कैश आता था और नीचे एक पब्लिक तक कैश पहुंचता था, तो इस ई रूपी के लोन से ये सारा जो बीच का करप्शन था इसे भी खत्म किया जा सकता है। अब काफी लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि क्या ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही काम करेगी। अब यहां पर इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो डिजिटल रूपी है ये आरबीआई कंट्रोल्ड है और ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है। यानी एक तरफ जो ई रूपी है उसके पास पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है और आरबीआई कंट्रोल्ड है, वहीं क्रिप्टो करेंसी जो है उसके पास ना तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है और एक तरह से क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिथ है, लोगों को लग रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ई रूपी पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। वहीं इसके अलावा सीबीडीसी ने ई रूपी को लीगल टेंडर अनाउंस किया। जैसे आप जब फिजिकल नोट देखते हो तो वहां पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, तो वो एक तरह से लीगल टेंडर है। ऐसे ही ई रूपी भी एक लीगल टेंडर है, इसको बैंक्स में स्टोर कर सकते हो आप, एक तरह से बैंक में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल वॉलेट में ही स्टोर की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी कितनी वोलेटाइल है इसका अंदाजा आप सभी को होगा, लेकिन दूसरी तरफ ई रूपी गवर्नमेंट सपोर्टेड भी है, सेफ भी है और सिक्योर भी है। ई रूपी को इशू किया गया है सेंट्रल बैंक के थ्रू और इसे मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो का मार्केट में वोलेटिलिटी नेचर है, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पे एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस है ई रूपी का, इसकी ट्रांजेक्शन का फ्लो कैसे काम करेगा। अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसमें पूरा जो फ्लो, ये एक तरह से फ्लो चार्ट है, वो कैसे काम करेगा उसे हम एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनिशियली अभी कॉरपोरेट और गवर्नमेंट एंटिटीज ही इसे यूज कर रही हैं। तो सबसे पहले कॉरपोरेट या गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसमें सारी डिटेल्स जैसे कि नेम, अमाउंट, मोबाइल नंबर,
एक्सपायरी डेट, रीजन ऑफ ट्रांजेक्शन टू इशू ई रूपी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इशूअर बैंक को भेजी जाएंगी। फिर इशूअर बैंक ये रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा एनपीसीआई को, फिर एनपीसीआई इशूअर बैंक को सक्सेस कन्फर्मेशन देगा, उसके बाद इशूअर बैंक ये सक्सेस कन्फर्मेशन देगा गवर्नमेंट एंटिटी को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी तक पहुँच जाए इन द फॉर्म ऑफ मैसेज या फिर क्यूआर कोड। बेनिफिशियरी फिर मर्चेंट के पास ई रूपी रिडेम्पशन के लिए जाएगा, मर्चेंट स्कैन करेगा ई रूपी के वाउचर्स को, वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेंगे बेनिफिशियरीज को एंड रिडेम्पशन रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे। सक्सेसफुली कंफर्मेशन के बाद मर्चेंट सर्विसेज देंगे बेनिफिशियरीज को। और एक बार एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ई रूपी का फ्रेमवर्क है वो कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है। तो सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट 2000 एंड आईटी रूल्स 2011, सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो ई रूपी के साथ अभी फिलहाल कनेक्टेड हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी और एचएसबीसी बैंक। बाकी देखते हैं कि ई रूपी कैशलेस इकोनॉमी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर कैसे प्रूव हो पाएगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन ई रूपी के ऊपर। जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी अवेलेबल थी ई रूपी के ऊपर, ये सारी हमने इस वीडियो में शेयर की है। इन केस अगर आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।